ईरान की सेना यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन गाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ने शनिवार सुबह यानी 14 सितंबर को इस साल की दूसरी सैटेलाइट लॉन्च की है। इस सैटेलाइट का नाम है चमरन वन। कहा जा रहा है कि यह एक रिसर्च सैटेलाइट है, लेकिन इसराइल के साथ चल रहे तनाव के बीच सैटेलाइट को 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैनात करना देश की सेना को ताकत प्रदान करना है। चमरन वन सैटेलाइट की लॉन्चिंग का M100 रॉकेट से की गई। तय कक्षा में स्थापित होने के कुछ घंटों बाद इस सैटेलाइट ने धरती पर सिग्नल भी भेजे। यह सैटेलाइट 60 किलोग्राम वजन का है। इस लॉन्च करने का मकसद है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम को ऑर्बिट में चलाकर देखना, वहां मैन्यूवरिंग करना। इससे पहले ईरान ने जनवरी से 16 सैटेलाइट लॉन्चिंग किया था, यह 750 किलोमीटर के ऑर्बिट में भेजा गया था। इस बीच अमेरिका ने कहा कि ईरान ने जिस रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्चिंग की है वो एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेक्निक है। इससे भविष्य में ईरान अंतरिक्ष और दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सकता है, यहां तक कि एक ऐसी मिसाइल तकनीक से परमाणु हमला भी कर सकता है। हालांकि ईरान ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। ईरान ने कहा कि हमारे रॉकेट और सैटेलाइट में कोल्ड गैस प्रोलेशन सबसिस्टम लगे हैं जिन्हें स्पेस में जांचने की जरूरत थी, इसलिए यह रॉकेट और सैटेलाइट इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अंतरिक्ष में नेविगेशन और एल्टीट्यूड कंट्रोल सबसिस्टम की जांच हो सके। ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।